जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मथुरा जनपद के कस्बा शेरगढ़ के मेन बाजार में अड्डा वाली मस्जिद के पास खोखा मार्केट में प्रातः 5 बजे किन्हीं कारणों से 4 खोखा दुकान में आग लग गई। जैसे ही प्रातः स्थानीय निवासियों को आग के बारे में पता चला तो स्थानीय निवासियों ने दुकान स्वामियों को सूचना दी और पुलिस को सूचना दी। इस संदर्भ में खोखा दुकान स्वामी केशव देव पुत्र विजय ने बताया कि स्थानीय निवासियों के द्वारा जैसे ही पता लगा कि तुरंत अपने घर से दुकान पर आग पर काबू पाने के लिए आए और स्थानीय निवासियों ने समरसेबल चलाकर हमारे साथ भरपूर सहयोग किया। दमकल की गाड़ी मौके पर आई, आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग बहुत भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। जैसे जैसे आग पर काबू पाया तब तक 4 दुकान स्वामियों का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इन खोखा दुकानों में कॉस्मेटिक और रेडीमेड फल व सब्जी का सामान भरा था। खोखा स्वामी विजय विष्णु पीतम का सामान जलकर खाक हो गया और सभी दुकान स्वामी मिलकर कस्बा व्यापार मंडल के साथ व्यापारियों के साथ थाने में अज्ञातों के खिलाफ तहरीर देने पहुंचे। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ। गोपीनाथ तिवारी, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है भैया आपका? केशव कुमार। भैया आप यहाँ शेरगढ़ थाने आए हो, किस लिए आए हो उसके बारे में बताएंगे? किसी ने हमारे खोखों में आग लगा दी जी, हम इसलिए तहरीर देने के लिए आए। कब आग लगी थी आपके खोखों में? आज सुबह करीब 5:15 बजे। तो आपको कैसे जानकारी हुई उस आग के बारे में? किसी आने जाने वाले ने बता दी। तो फिर आपने पुलिस को इससे संपर्क किया? पुलिस मौके पर मिली हम। दमकल की गाड़ी भी आई थी? हाँ, वो आग पर काबू पा लिया तब आई थी। तो किस चीज का खोखा है आपका? कॉस्मेटिक और रेडीमेड का है। तो उसमें लगभग कितना नुकसान हुआ है आपका? करीब उसमें 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया आपका। हाँ जी। और किस किस के खोखों में आग लगी है? मथुरा।